सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच इस वक्त आईपीएल का महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में हैदराबाद अगर जीतने में सफल नहीं हो पाया तो हैदराबाद की प्लेऑफ की राह बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का निर्णय किया और हैदराबाद को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 193 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। एक ओवर लग रहा था कि एसआरएच की टीम 200 से भी ज़्यादा का स्कोरबोर्ड लगा देगी, लेकिन मुंबई के गेंदबाज रमनदीप सिंह ने हैदराबाद को पहले ही रोक दिया। रमनदीप सिंह ने इस मैच में 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने 6.67 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। रमन ने प्रियाम गर्ग का विकेट लिया, राहुल त्रिपाठी को आउट किया और एडन मार्करम को भी पवेलियन वापस भेजा। प्रियाम गर्ग और राहुल त्रिपाठी हैदराबाद के लिए बेहतरीन साझेदारी कर रहे थे, उस वक्त रमनदीप ने उस साझेदारी को तोड़ा। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी जो कि क्रीज पर पैर जमा चुके थे, उन्हें भी रमनदीप सिंह ने तिलक वर्मा के हाथों कैच करवा के वापस भेजा और इसी के साथ उसी ओवर में एडन मार्करम को भी आउट करके हैदराबाद की कमर तोड़ दी। एडन मार्करम लगातार हैदराबाद के लिए रन बना रहे हैं और वह खतरनाक साबित हो सकते थे। आईपीएल सीजन की बात करें तो 4 मैच की 2 पारियों में रमनदीप सिंह 4 विकेट चटका चुके हैं और उनका सर्वाधिक का हाईएस्ट विकेट टेकिंग मैच हैदराबाद के खिलाफ 20 रन देकर 3 विकेट का रहा। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।